हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता स्किल्स। इन दिस वीडियो वी शैल लर्न हाउ टू ट्रांसलेट बिग एंड लॉन्ग सेंटेंसेस। बड़े सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सुनील अपने दोस्तों को मिलने शाम को दादर जाएगा। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस आता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इसको कैसे ट्रांसलेट करने का। तो मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। सबसे पहले मुझे मेन क्या है, इस सेंटेंस में मेन क्या है वो देखना है। फिर मुझे जवाब देना है क्या, व्हाट, फिर वेयर, कहां, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे। अभी सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ वी विल ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। सो लेट्स बिगिन। मेन इज सुनील जाएगा। ये सेंटेंस में सबसे मेन क्या है कि सुनील जाएगा, तो सुनील विल गो। व्हाट, क्या, इसमें कोई आंसर नहीं है। वेयर, कहां जाएगा, टू दादर। कब जाएगा, इन द इवनिंग। क्यों जाएगा, टू मीट हिज फ्रेंड्स, दोस्तों को मिलने। हाउ, इसका कोई जवाब नहीं। सेंटेंस बनता है सुनील विल गो टू दादर इन द इवनिंग टू मीट हिज फ्रेंड्स। कितना सिंपल है ना दोस्तों। अगर हम इस तरह से तोड़ तोड़ के सेंटेंसेस बनाएंगे, ये शुरुआत में करना है, बाद में ये आपको अपने आप आने लग जाएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग बड़े सेंटेंस देख के डर जाते हैं। आइए दूसरा सेंटेंस। मैं अपने भाई को उसके जन्मदिन पर मोबाइल गिफ्ट करूंगा। अब बताओ इसमें मेन सेंटेंस क्या है। मेन सेंटेंस है मैं अपने भाई को गिफ्ट करूंगा। आई विल गिफ्ट माय ब्रदर। क्या गिफ्ट करेगा, ए मोबाइल। कहां, इसका कोई जवाब नहीं है। व्हेन, कब, ऑन हिज बर्थडे। क्यों, इसका भी कोई जवाब नहीं है। हाउ, इसका भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। मैं अपने भाई को उसके जन्मदिन पर मोबाइल गिफ्ट करूंगा। आई विल गिफ्ट माय ब्रदर अ मोबाइल ऑन हिज बर्थडे। अगला सेंटेंस देखते हैं। हम दोनों कॉलेज में 2 साल तक एक साथ पढ़ते थे। नाउ व्हाट इज द मेन सेंटेंस हियर। हम पढ़ते थे, करेक्ट। मेन इज वी बोथ स्टडीड टुगेदर। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। व्हाट, इसका कोई जवाब नहीं है। वेयर, कहां, इन कॉलेज। व्हेन, फॉर 2 years। व्हाई, हाउ, नो आंसर। तो वी बोथ स्टडीड इन कॉलेज फॉर 2 years। है ना सिंपल तरीका बड़े सेंटेंसेस को सीखने का। मनीष ने पिछले साल अपनी कमाई से नई कार खरीदी। मनीष बॉट, मनीष ने खरीदी। व्हाट, ए न्यू कार। वेयर, नहीं। कब, लास्ट ईयर। हाउ, कैसे, अपनी कमाई से। सो द आंसर इज मनीष बॉट ए न्यू कार लास्ट ईयर फ्रॉम हिज अर्निंग्स। कैसे लग रहा है आपको, मुझे उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। सुनीता अब रोज सुबह पार्क में जॉगिंग के लिए जाती है।
मेन सेंटेंस क्या है? सुनीता जाती है। यस, सुनीता नाउ गोस। सुनीता अब जाती है क्या? जॉगिंग के लिए। कहाँ? पार्क में। कब? सुबह सुबह। बाकी जवाब नहीं हो रहा है ना? आसान, अच्छा लग रहा है आप सीखने में? तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक भी दे दो। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। सुनीता अब रोज सुबह जॉगिंग के लिए पार्क में जाती है। सुनीता नाउ गोज फॉर जॉगिंग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। कितना सिंपल हो गया। कोरोना वायरस से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनकर जाना जरूरी है। अरे बाप रे, इतना बड़ा सेंटेंस, थोड़ा मुश्किल है। पर नहीं, अगर आप उसी पैटर्न में सॉल्व करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब बताओ इसमें सबसे मेन सेंटेंस क्या है? मेन है मास्क पहनना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू वेयर व्हाट? मास्क। कहाँ? इन क्राउडेड प्लेस, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। व्हेन नहीं है। व्हाई? क्यों? टू अवॉइड कोरोना वायरस। हाउ? नहीं पता। नाउ ये देख के आपको पता चल रहा होगा कि आंसर क्या है। इट इज नेसेसरी टू वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेस टू अवॉइड कोरोना वायरस। मेरे सारे रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। मैं अकेला नौकरी की वजह से मुंबई में रहता हूँ। अब ये दो सेंटेंसेस है। एक सेंटेंस है मेरे सारे रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, और दूसरा है मैं अकेला नौकरी की वजह से मुंबई में रहता हूँ। तो हमको उसी तरह बनाना है। मेन सेंटेंस है मेरे सारे रिश्तेदार क्या रहते हैं? कहाँ? दिल्ली में। अब दूसरे सेंटेंस पे, मैं अकेला। क्या रहता हूं? कहाँ? मुंबई में। क्यों? बिकॉज ऑफ माई जॉब। और ये सेंटेंस हो गया तैयार। ऑल माई रिलेटिव्स लिव इन दिल्ली, आई अलोन लिव इन मुंबई बिकॉज ऑफ माई जॉब। कैसे लग रहा है? मैं कल सुबह 10 बजे से पहले तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। मेरे पैसे तैयार रखना। अगेन टू सेंटेंसेस। मैं पहुंच जाऊंगा, पहले सेंटेंस में मेन क्या है? मैं पहुंच जाऊंगा। कहाँ? तुम्हारे घर। कब? 10 बजे से पहले। दूसरे सेंटेंस में है रखना। क्या रखना? माई मनी रेडी। मैं कल सुबह 10 बजे से पहले तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। मेरे पैसे तैयार रखना। आई विल रीच योर हाउस बिफोर 10 o'clock टुमारो। कीप माई मनी रेडी। अब थोड़ा थोड़ा सिंपल होने लग गया है सेंटेंसेस बनाना। अगला, तुम हर समय मोबाइल में क्या करते रहते हो? ऐसा क्या है उसमें? दो सेंटेंसेस। पहला है तुम हर समय मोबाइल में क्या करते रहते हो? ऐसा क्या है उसमें?
करते रहने को हम कीप डूइंग बोलते हैं, और तुम यू। तो सेंटेंस कैसे बनते हैं? मेन है व्हाट डू यू, कीप डूइंग करते रहते हो, तुम क्या करते रहते हो, कहां इन मोबाइल, कब ऑल द टाइम हमेशा, सेकेंड में है क्या है उसमें है सर, तो व्हाट इज देयर, कहां इन इट, और हो गया हमारा सेंटेंस तैयार। तुम हर समय मोबाइल में क्या करते रहते हो, ऐसा क्या है उसमें, व्हाट डू यू कीप डूइंग इन मोबाइल ऑल द टाइम, व्हाट इज देयर इन इट। तो दोस्तों ये था एक सिंपल ट्रिक टू मेक बिग सेंटेंसेस। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब फॉर माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।